अरे यार मेरे दोस्त, जब से इरफान बलोच आया है ना हैदराबाद में, ना चरस मिल रहा है ना पाउडर मिल रहा है यार। यार क्या बात करे मेरे दोस्त, गरीब दोस्त, क्या बात कर रहे हो, 10वां दिन है डकार ही नहीं आया। अबे सेले का गोश्त खाते हैं उस पे ही डकार नहीं आ रहा है, चरस का को इतना मजा लगा हुआ है हमारे जिसम में, रग रग में चर्स है, रग रग में पाउडर है। अभी इतनी चेंजिंग आ गई है, इतनी गवर्नमेंट ने सख्ती की है। कल मैंने गटर का ढकना खोला, उसमें भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था गटर में, छोड़ के भागा, मैंने बोला पुलिस पकड़ लेगी, इतनी सख्ती हो गई है यार। बस यार खाली सिगरेट में मजा ही नहीं आ रहा, अब तो ये पैसे भी नहीं कि खाली सिगरेट खरीदे, अब पता है क्या करना पड़ेगा। अबे यार गुस्सा लग रहा है ये तो। बस अब तो ऐसा करना पड़ेगा कि गाड़ियों के साइलेंसर है ना, उनके धुएं में से काम चलाना पड़ेगा। अरे यार उधर चलते हैं गाड़ी खाते, वो फोर सीटरों के धुएं में ना थोड़ा बहुत चर्स वाला मजा है यार। नहीं तो ये भी बात तो छोड़ती नहीं, शक्ल ही ऐसी है, पांच पांच दिन दाढ़ी बनवाते थे, अब तो ऐसी हालत हो गई है कि पुलिस वाले देखते ना समझ जाते हैं कि ये माली जा रहा है। हमारी डिजाइन ऐसी है, मैं कोच की आखिरी सीट पे बैठा था, उधर आके पुलिस वाले ने उठाया, बोला उठो तलाशी दो, क्या करे हमारी डिजाइन ऐसी है। मैं तो मस्जिद में किसी के साथ नमाज में खड़ा होता हूँ, वो भी जेब पे हाथ देता है, हीरोनी तो नहीं है जेब काटेगा यार। बड़ा तुम्हारे पास पैसे पड़े है तो दो चार छेड़े लेके आओ, वो दुखा के उनमें से काम चलाए, बड़ा उसके धुएं में से। क्या करे यार बहुत सख्ती हो गया, भाई ईद का कुछ सोचा है यार? नहीं यार ईद बड़े मजे से करते थे हम तो। अरे यार हमको लगता है माँ बाप की बद्दुआ है, हमने घर के सारे टप्पड़ चोरी करके भेज दिए, मेरे बाप का बकरा खड़ा हुआ था वो भी मैंने भेज दिया, अभी अबू ने घर से भी निकाल लिया यार, मवाली आदमी दर पदर है यार। अब अगर